सर जी आज क्या करना है? ओके आज करना है 100 बर्पीज। ओके हाँ चलो, वन, हाँ टू, कैरी ऑन कैरी ऑन। हेलो, अरे कुछ नहीं यार, सुबह से पेट खराब है, कब्जियत है। अरे कुछ नहीं, कल 3 छोटे छोटे पैक मार लिए थे 90 ml के, उसके बाद तुम्हारी भाभी ने जो आलूदे पराठे पहनाए हैं 6 निपटा दिए, 6। हाँ अरे कुछ नहीं, वो स्टूल सरकाया। अभी लाइट नाश्ता करके आए, चेला राम के 4 समोसे खाए, और उसकी हरी चटनी यार क्या पर। 20 और मारो 20। हाँ, कर रहा हूँ कर रहा हूँ। हेलो, हाँ आपने तो दे दिया उसको 100 पर पीस। खुद एक बार में 20 मार के दिखाइए तो मैं समझू कि आप ट्रेनर हैं। मेरे को चैलेंज दे रहा है तू? रुक अभी बताता हूँ। ये देख, वो क्या है ना बेटा, आजकल गेनिंग डाइट पर हूँ और पेट भी खराब है। कुछ और करते हैं, कुछ और पिस्टल स्क्वाट करते हैं। देखो ऐसे जाओ, वन, हो नहीं पा रहा है, थोड़ा गेनिंग डाइट में है ना, पेट बीच में आ रहा है। तुम करो तुम करो। इतना तो आप भी समझ गए होंगे कि ये वीडियो उन ट्रेनर्स और कोचेस के लिए है जिनका खुद पेट ब्रह्मांड जैसा है, लेकिन चले हैं दूसरों के एब्स बनवाने। सो ऐसे ट्रेनर्स और कोचेस को अपने आप को पहले फिट करना चाहिए, क्योंकि जितने भी आपके मेंबर्स हैं या क्लाइंट्स हैं, उनको आपके पर्सनल ट्रेनिंग से ज्यादा आपके मोटिवेशन की जरूरत है। खुद अगर मोटा वेट रहेगा तो मोटिवेशन कहां से दोगे? तो ऐसे ट्रेनर्स और कोचेस से मेरी रिक्वेस्ट है कि या फिर आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो और अपग्रेड करो, और अगर नहीं हो पा रहा है ना तो प्लीज फिटनेस इंडस्ट्री में कचरा जमा करने से अच्छा है कि फिटनेस इंडस्ट्री से रिटायरमेंट ले लो। आई नो कुछ ट्रेनर्स और कोचेस को ये वीडियो देख के काफी ज्यादा ऑफेंड फील होगा, बट आप जिस फील्ड से हैं उस फील्ड में आपको अपग्रेड करके चलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये बहाना तो बॉस नहीं मारना कि यार 1 घंटा नहीं मिल पाता है, बहुत काम होते हैं, बहुत सारे पीटीज होते हैं। ना, मैं खुद 18 साल से अपनी फिटनेस मेंटेन करके चल रहा हूँ और मैं इस इंडस्ट्री में 10 साल से हूँ, तो मेरी बॉडी ही मेरा ऑफिस है। और जब तक मैं अपने ऑफिस को साफ करके नहीं चलूंगा या मेंटेन करके नहीं चलूंगा, मैं खुद जानता हूँ कि मैं ग्रोथ नहीं कर पाऊंगा। भले ही ये वीडियो देखने के बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें या फिर इस वीडियो को लाइक ना करें, बट इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि शेयर करने से क्या होगा, ये वीडियो देख के शायद वो ट्रेनर्स और कोचेस अपने आप को चेंज कर दे, ट्रांसफॉर्म कर दे। इससे क्या होगा कि उनकी वैल्यू भी बढ़ेगी, और अगर तब भी ये वीडियो देखने के बाद वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाए तो आपको पता है कि बेस्ट ऑप्शन क्या है।